सबको नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो में अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में आपने देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आज हम बात करेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अकारांत अकारांत में है जिसके नपुंसक लिंग, ऐसे शब्द जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं ना ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जैसे फल, पुस्तक, पत्र। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो दिखाई तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग देते हैं परंतु वो नपुंसक लिंग में आते हैं। ये कुछ गणों के हिसाब से कुछ शब्दों का विभाजन किया गया है। जैसे मित्र, मित्र पुस्तक भी हो सकती है तो नपुंसक लिंग हो गया, और स्त्री जाति में कोई लड़की मित्र हो सकती है तो वो स्त्रीलिंग हो गया, और अगर कोई लड़का ही मित्र है तो पुल्लिंग भी हो सकता है, परंतु संस्कृत में मित्र शब्द को नपुंसक लिंग में डाला गया है। तो इनका शब्द रूप कैसे बनाया जाए उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप आकारांत पुल्लिंग शब्द कर लेते हैं तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में हमें कुछ परिवर्तन लाने हैं, बाकी सभी वैसा ही है। वैसे ही संस्कृत में पता ही आपको तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति उसी तरह से प्रथमा कर्ता का बोध कराएगी, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी आपादान से जुदाई, और षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन होता है हे अरे। जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो हे या अरे कहा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में अंतर आ जाएगा। जो भी प्रत्यय हमने पुल्लिंग में सीखे सिर्फ प्रथमा और द्वितीया में, बाकी वही के वही प्रत्यय लगा करके हम फल शब्द रूप की रचना करेंगे। और बहुत सारे ऐसे शब्दों का हम शब्द रूपों का निर्माण कर सकते हैं जो भी नपुंसकलिंग शब्द हैं। प्रथमा आ जाती है इसमें फलम, फले, फलानी। द्वितीया भी वैसी ही होती है फलम, फले, फलानी। मतलब वही है, एक फल, दो फल, अनेक फल। और द्वितीया में एक फल को, दो फलों को, अनेक फलों को। अब एन लगाते हैं हम, जैसे रामेण किया था तो ये बन जाएगा फलेन। आभ्याम करना है, रामाभ्याम था फलाभ्याम, रामई था अर्थात आई जोड़ा था इसीलिए फलई, अर्थ होगा एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से, फलाय, एक फल के लिए। जैसे कि रामाय किया था, आय जोड़ा था हमने, तो फल में भी आय जोड़ेंगे, फलाय, एक फल के लिए। फलाभ्याम दो फलों के लिए, फलेभ्य जैसे रामेभ्य किया था उसी तरह से फलेभ्य, एभ्य जोड़ा है अनेक फलों के लिए। आत जोड़ा था, रामात बना था इसलिए फलात, एक फल से। आभ्याम जोड़ने पर फलाभ्याम,
और फिर एभ्य जोड़ने पर फलेभ्य। एक फल से, दो फलों से, अनेक फलों से, षष्ठी है। अस्य जोड़ा था, रमस्य बना था, तो फल के साथ अगर हम अस्य जोड़ेंगे तो फलस्य। आयो जोड़ा फलयो, आनाम जोड़ा तो फलानाम। एक फल का, दो फलों का, अनेक फलों का, सप्तमी फले। यही जोड़ना था, अयो जोड़ा तो फलेयो, एशु जोड़ा तो फलेशु। एक फल पर, दो फलों पर, अनेक फलों पर संबोधन उसी तरह से जैसे हे राम, यहां जाएगा हे फल, हे फले क्योंकि प्रथमा फले है, हे फलानी क्योंकि प्रथमा में फलानी है। ये हुआ हमारा अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्द रूप। अब बाकी सारे शब्द रूप जो नपुंसक लिंग शब्द हैं उनकी रचना हम फल के अनुसार करेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जैसे पत्र, अ है अंत में, पुस्तक, अ है अंत में, मित्र, अ है अंत में, कमल, अ है अंत में, कलम, अ है अंत में। और ये सारे शब्द नपुंसक लिंग भी हैं, तो इन सब शब्दों की रचना फल शब्द के अनुसार होगी। अब जो अंतर पहले भी किया था हमने, जैसे पत्र में देखिए, पत्र में त्र में क्या होता है, त, र और अ, अंत में तो अ है ही लेकिन र भी है, त्र में र भी है। तो यहां पर आपका अगर हम जब पत्र का, पत्र शब्द रूप की रचना करेंगे तो फलेन की जगह पत्रेन आ जाएगा, न नहीं अण हो जाएगा। इसी तरह से षष्ठी में भी पत्राणाम हो जाएगा क्योंकि पद में र है, पत्र में र है, इसलिए पत्राणाम बन जाएगा। और इसी के अलावा एक चीज और भी बताई थी, न को अण होता है कब, जब पद में र हो, श हो या री हो। ये ध्यान रखेंगे, र श री हो तो न को अण हो जाता है, लेकिन एक शर्त में नहीं भी हुआ था, जब वो पद के अंत में हो। अगर पदांत में न है, पदांत में न है तो न को अण नहीं होगा। अब पत्र में देखें, त र अ तो है लेकिन र के बाद अ है, इसीलिए पत्राणी बनेगा, न के बाद अ नहीं है, ई है। कोई भी स्वर हो, न के बाद कोई भी स्वर हो तो अण हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ पत्र के प्रथमा बहुवचन में आ जाएगा पत्राणी, द्वितीय में भी आ जाएगा पत्राणी, और तृतीय में पत्रेण, षष्ठी बहुवचन में पत्राणाम। बार फिर से बता देती हूँ, पद के अंत में अगर न है, अर्थात न के, न बिल्कुल आखिरी में है, उसके बाद न अ है न ई है, अर्थात कोई स्वर नहीं है, तो उस न को अण नहीं होगा। अगर न के बाद कोई भी स्वर है तो अण हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, न के बाद ई है, अण हुआ, इसमें न के बाद अ है, अण हुआ, इसमें न के बाद आ है, अण हो गया। इसी तरह संबोधन में भी पत्राणी आ गया। तो आप
प्रथमा में भी देख सकते हो, द्वितीय में भी देख सकते हो, न के बाद ई है इसीलिए न को अण हो गया। अगला शब्द है पुस्तक। अब इसमें कहीं पे भी ना र है, ना श है, ना री है, तो मतलब हुआ कोई यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, अर्थात पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकै, इस तरह से पुस्तक शब्द रूप की रचना होगी। आगे है मित्र। मित्र भी पत्र के समान होगा क्योंकि इसमें भी त र अ है, र है तो मित्राणी हो जाएगा, द्वितीय में भी मित्राणी हो जाएगा, तृतीय में मित्रेण और षष्ठी में मित्राणाम और संबोधन में भी हे मित्राणी हो जाएगा, बाकी के रूप उसी तरह से होंगे। कमल में कोई र नहीं है, श नहीं है, री नहीं है, तो पुस्तक की तरह से होगा, न ही रहेगा, अण नहीं होगा। कलम में भी इसी तरह से। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गृही देखी, गृही, गृही में री है इसलिए अण को अण होगा। पुष्प, पुष्प में भी श है, श है इसलिए न को अण होगा, पुष्पाणी बन जाएगा, पुष्पाणाम बन जाएगा, पुष्पेण बनेगा, बाकी पूरा शब्द रूप उसी तरह से चलेगा। अब ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके अंत में अ होगा और वो नपुंसक लिंग है, उन सभी शब्द रूप, उन सारे शब्दों की जो शब्द रूप बनाने हैं फल की तरह से होंगे। जैसे जल है वो भी नपुंसक लिंग शब्द है, चक्र है वो भी नपुंसक लिंग शब्द है, ऋण है, उपवन है, इन सारे शब्द रूपों की रचना फल के अनुरूप ही होगी। तो अब आप इसी तरह से बहुत सारे शब्द लेकर जो नपुंसक लिंग है उन सारे शब्द रूपों की रचना मजे मजे में कीजिए। धन्यवाद।